सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक आज हम इंग्लिश वोकेबलरी का फोर्थ चैप्टर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड रीड कर रहे हैं। डेफिनेशन, वर्ड फॉर्मेशन मीन्स टू मॉडिफाई ए वर्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ड फॉर्मेशन का अर्थ होता है किसी भी वर्ड को अलग अलग रूप में रूपांतरित करना, विच हैव डिफरेंट मीनिंग, जिनका कि अलग अर्थ निकलता है। इन इंग्लिश एट काइंड ऑफ वर्ड्स आर यूज इन सेंटेंस। इंग्लिश में आठ तरह के जो शब्द हैं वो सेंटेंस में काम में लिए जाते हैं। दीज एट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो आठ टाइप के वर्ड्स हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, और ये जो पार्ट है उनके नेम है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी से मिलकर सेंटेंस बनता है। ऑल दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आर यूज इन सेंटेंस फॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट। और इस पार्ट्स जो स्पीच के सभी पार्ट हैं ये सेंटेंस में, सेंटेंस के जो निर्माण हैं उसमें आवश्यकता अनुसार काम में लिए जाते हैं। इन इंग्लिश सिंगल वर्ड कैन बी मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड भी रूपांतरित किया जाता है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सब में वो चेंज किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ल्ड फॉर्मेशन। इस तरह का जो रूपांतरण, मॉडिफिकेशन जो होता है उसको हम वर्ल्ड फॉर्मेशन कहते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट डिफरेंट रूल्स एंड वर्ड फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ रूल्स और दिए गए हैं आपकी सहायता के लिए। आपके जो 8th क्लास में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फॉर्मेशन का, उसमें आपको वर्ड दिया जाता है और आपको उसके साथ कुछ और वर्ड जोड़कर उसको चेंज करना होता है, वो हम यहाँ देखेंगे आज। ए है टू फॉर्म नाउन फ्रॉम वर्ब। यहाँ हम वर्ब से नाउन बनाएंगे, मतलब जो क्रिया है उससे हम संख्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे, बाई एडिंग ई आर इन द वर्ब, वर्ब के अंदर ई आर जोड़कर। प्ले, सिंग, वर्क, सेल, ये सब वर्ब है, इनके पीछे हम ई आर लगाकर, प्ले इस साथ ई आर लगाकर प्लेयर बनाया है, मतलब खिलाड़ी। सिंग, ई आर, सिंगर। वर्क, इसके साथ ई आर जोड़कर वर्कर, काम करने वाला। सेल, सेलर, बेचने वाला। इन सम वर्ब्स ओर इज एडेड टू फॉर्म नाउन। कुछ वर्ड्स में ओ आर का यूज़ होता है नाउन बनाने के लिए। कलेक्ट, एक्ट, इंस्पेक्ट, सेल, ये सभी वर्ब है, इनके साथ ओ आर हमने जोड़ा है। कलेक्ट, कलेक्टर, एक्ट, एक्टर, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, सेल, सेलर। थ्री है, इन सम वर्ब्स आई ओ एन इज एडेड टू फॉर्म नाउन। एक्ट से एक्शन, कनेक्ट, कनेक्शन, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, सजेस्ट, सजेशन, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेशन। बाई एडिंग आई एन जी, फील, फीलिंग, फील मतलब महसूस करना, फीलिंग मतलब भावना, यहाँ पर ये नाउन बन गया। बिल्ड, वर्ब है बनाना, इसके साथ आई एन जी जोड़ा हमने, बिल्डिंग मतलब इमारत। मीन, मीनिंग। रिपेयर, इसके साथ आई एन जी जोड़ के हमने रिपेयरिंग बनाया है। बाई एडिंग एम ई एन टी, जज मैंट, ट्रीट मैंट, मूव मैंट, अरेंज मैंट। सम वर्ब्स आर मेड नाउन बाई एडिंग एच विद ए स्लाइट चेंज इन वर्ड। यहाँ पर कुछ चेंजेस के साथ, जैसे वाई हटाकर हम उसकी जगह आई लगाकर और ए जी ई जोड़कर भी नाउन बनाते हैं। मैरी, मैरिज, स्टॉप, स्टोपेस, केरी, केरेस। सम वर्ब्स आर नाउन आर मेड नाउन बाई एडिंग एन सी ई और ई एन सी ई। अटेंड, अटेंडेंस, गाइड, गाइडेंस, डिफर, डिफरेंस, रेफर, रेफरेंस। एट है, सम वर्ब्स आर मेड नाउन बाई एडिंग यू आर ई इन द वर्ब। फेल, फेलियर, डिपार्ट, डिपार्चर। आर मेड नाउन बाई एडिंग एल, एल जोड़कर भी हम नाउन बनाएंगे। रिफ्यूज, एल जोड़ा है इसमें हमने, रिफ्यूजल, ट्राई, ट्रायल, arrive, arrival. 10 है, some verbs are changed in regular ways to form noun. ये बिल्कुल चेंज है यहाँ पर, कोई इसका रूल्स नहीं है, इसलिए इसी वर्ब को जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेल, सेल, एडवाइस, एडवाइस, स्पीक, स्पीच, कैरी, कैरिस, लाइव, लाइव, प्रूफ, प्रूफ। बी है टू फॉर्म नाउन फ्रॉम एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, इनसे आपको नाउन बनाना है। वीक, इसके साथ हमने एनी डबल एस जोड़ा है।
वीकनेस वाइट वाइटनेस, फ्रेश फ्रेशनेस, काइंड काइंडनेस. सेकंड है सम एडजेक्टिव्स आर मेड नाउन्स बाय एडिंग DOM, फ्री फ्रीडम वाइस विजडम. थर्ड है सम एडजेक्टिव्स आर मेड नाउन बाय एडिंग TH जोड़कर भी हम बनाएंगे नाउन. डीप डेप्थ डेथ डेथ, ट्रू ट्रूथ, यंग यूथ. सम नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग RY जोड़कर हम बनाएंगे ब्रेव ब्रेवरी, स्लेव स्लेवरी. फिफ्थ है सम एडजेक्टिव्स आर मेड नाउन बाय एडिंग ITY विद स्लाइट चेंज. ITY यूज करेंगे कुछ चेंज के साथ. एबल एबिलिटी, प्योर प्योरिटी, स्टूपिड स्टूपिडिटी, रेगुलर रेगुलरिटी. आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. आपको ये जो वर्ड हमने वर्ड फॉर्मेशन जो किया है आपको इसको एक बार रीड करना है, और जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है. थैंक यू.